हेलो डियर चिल्ड्रेन, आई एम ऋषि पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी। सो डियर चिल्ड्रेन, दिस इज माई थर्ड वीडियो ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो पहले पार्ट में हमने प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में देखा था, फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि इस तरह से आज के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट ओशियंस, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, देन वी सॉ दैट हाउ द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स वॉज फॉर्म्ड। ओके, कि अंटार्कटिका से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होता है, फिर यूरेशियन प्लेट से टकराता है, एंड दैट क्रिएटेड दैट इंसिडेंट क्रिएटेड वॉट द ग्रेट हिमालयन माउंटेन ऑफ इंडिया। ओके, सो टुडे वी विल सी इन डिटेल दैट वॉट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन, विच आर द डिफरेंट रेंजेज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ओके, एंड विच आर द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। इसको हम हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? सो बिकॉज दिस माउंटेन रेंज हैज़ द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जितने भी हाइएस्ट पीक्स हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं, वो किस रेंज में हैं आते हैं? वो आते हैं हिमालयन माउंटेन्स में, इसलिए हम कहते हैं इसको क्या, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स और द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब इसमें हमको बेसिकली देखना क्या है कि आपको अगर याद होगा कि किस तरह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करने के बाद यूरेशियन प्लेट से टकराता है और जो सेडिमेंट जो बीच में आते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं और इससे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो कोलिजन होता है, ये जो टकराव होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार हुआ और एक ही बार हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो एक बार कोलिजन होता है और सेडिमेंट फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और सेडिमेंट जब ये फोल्ड होते हैं तो बहुत ऊँचे माउंटेन रेंज को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो स्पीड होता है या जो फोर्स होता है वो बहुत फास्ट होता है, सबसे फास्ट होता है इसमें, फास्टेस्ट होता है। ओके, तो सबसे ऊपर का एक रेंज ऐसे क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं द ग्रेटर हिमालयन और हिमाद्री रेंज। तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में जो रेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिमाद्री। तो पहले कोलिजन में, पहले टकराव में जो रेंज बना उसको हम कहेंगे क्या? हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयंस। ओके, फिर सेकेंड राउंड में जब कोलिजन होता है, मतलब पीछे प्लेट हटने के बाद फिर सेकेंड राउंड का कोलिजन होता है, तो एक रेंज और बनता है। ओके, जस्ट यहाँ पे हिमाद्री के नीचे ये जो कलर है आपको डार्क लाइट ब्लू आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक रेंज का क्रिएशन होता है और इस रेंज को हम लेसर हिमालय कहते हैं या फिर हिमांचल कहते हैं। पहले कोलिजन में एक रेंज क्रिएट हो गया जिसको हमने हिमाद्री कहा, उसके नीचे सेकेंड कोलिजन में जो रेंज क्रिएट हुआ उसको हमने हिमांचल कहा, और सबसे लास्ट में जो सबसे धीरा जो कोलिजन होता है, सबसे स्लो प्रोसेस में जो कोलिजन होता है, ओके, उससे भी एक छोटा सा रेंज क्रिएट होता है एंड दैट रेंज इज नोन एज शिवालिक्स। ओके, उसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? शिवालिक्स। तो बस आपको ये जानना है क्या कि दैट हिमालयन द माउंटेन द ग्रेट द नॉर्दर्न माउंटेन द हिमालयन माउंटेन्स हैज थ्री पैरेलल रेंजेज, थ्री पैरेलल डिवीजन्स। ओके, हिमाद्री जो सबसे ज़्यादा हाइट है, उसके नीचे हिमाचल, और सबसे नीचे जो जिसकी हाइट सबसे कम है वो क्या है? शिवालिक्स। ओके, सो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। ओके, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स पे जितने भी हाईएस्ट पीक्स होते हैं वर्ल्ड के, ठीक है, वो कहाँ पे है? वो हिमालयन माउंटेन में है, इसीलिए हम हिमालय माउंटेन को क्या कहते हैं? द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ हम पीक्स को देख लेते हैं। पहले तो वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट जो अब यहाँ पे अभी उसी बेस में चलेंगे पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज 8848 मीटर्स हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि नेपाल में है, आपको पता होगा। K2, तो K2 एक्चुअली हिमालय माउंटेन में आप कह सकते हैं, चलिए क्योंकि यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो क्योंकि ये K2 जो है वो काराकोरम रेंज का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट। ओके, तो K2 जो है वो काराकोरम रेंज में है, उसकी जो हाइट है 8611। ओके, सो विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और फिर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ओके, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो हमारा जो पीक है उसकी जो हाइट है 8586। मींस जो वर्ल्ड में जितने माउंटेन्स हैं उसमें से कहीं भी इतने जो हाईएस्ट जो पीक्स हैं, जो इतनी जो हाई पीक्स हैं नहीं पाए जाएंगे, इसलिए कहते हैं जो हिमालयन माउंटेन है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब जो तीनों रेंज है उसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं इसमें। सो सबसे पहला रेंज हमने आपको बताया था द ग्रेट और इनर हिमालयाज, पहले कोलिजन में जो बना था। तो आपको ये जानना है कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब सबसे ऊपर का जो रेंज है, ठीक है, उसको हम किस रेंज के नाम से जानेंगे, हिमाद्री, या फिर उसको क्या कहेंगे, द ग्रेट और इनर हिमालय, सबसे अंदर की तरफ है, उसको हिमाद्री भी कहते हैं, उसको ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं, और उसको इनर हिमालय भी कहते हैं। उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज में ही उसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है या फिर जो जितने भी हाइएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, वो इसी रेंज में आएंगी। किस वाले रेंज में, हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज में। ओके, सेकेंड रेंज हमारा आता है लेसर हिमालय या फिर हिमांचल, तो सेकेंड रेंज में, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो इसीलिए ये जो यहाँ ये जो रेंज होता है वो टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। मींस ऑल द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन दिस रेंज ऑफ हिमालय, मींस इन लेसर हिमालय और हिमाचल। ओके, इसकी जो हाइट है वो एवरेज हाइट यहाँ पे वेरी करती है 3700 टू 4500 मीटर्स। ओके, और क्योंकि ये रेंज बहुत ही ऐसे पोजीशन पे है जो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठीक है, इसलिए समर में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाना पसंद करते हैं एज ए टूरिस्ट स्पॉट। ओके, और तो यहाँ पे शिमला, दार्जिलिंग, ये जो हिल स्टेशंस है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो हिमाचल रेंज में पाया जाता है। ओके, नव शिवालिक्स, तो सबसे नीचे का जो रेंज है उसको हमने आपको पहले ही बताया, वो क्या है, शिवालिक्स, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज हाइट में अगर बात करेंगे तो उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 900 टू 1100 व्हाट किलोमीटर, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं होना चाहिए था, ये मीटर है, 900 एंड 1100 व्हाट मीटर है, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6000 जिसकी है, और इसका है 3700 से 45, और इसका है 900 टू 1100 मीटर्स। ओके, किलोमीटर नहीं है, विडिथ है, तो विडिथ में आप कह सकते हैं 10 to 50 किलोमीटर उसकी विडिथ, उसकी चौड़ाई कितनी है, और ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में, रेंज मतलब शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में एक नैरो प्लेस पाया जाता है, गली की तरह एक जगह पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम दून के नेम पे जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं द लॉन्गिट्यूडनल वैली, वैली का मतलब घाटी होती है, तो हिमालय और सॉरी हिमाचल और शिवालिक के बीच में कुछ घाटियां हैं, और उन घाटियों को हम वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दूनस, जैसे बाटली दून, देहरादून। ओके, तो दून का मतलब भी मतलब क्या होता है, मतलब ये जो घाटियाँ होती हैं या फिर जो वैलीज होती हैं शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में। ओके, सो वी हैव थ्री रेंजेज ऑफ हिमालयस, ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय कह सकते हैं, इसका क्या मेन फीचर है कि जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसमें हैं, हिमाचल इसका क्या नेचर है कि जितने हिल स्टेशन हैं वो यहाँ पे हैं, और जो सबसे नीचे का जो हमारा रेंज है, ओके, इसके बाद से प्लेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहेंगे क्या, शिवालिक्स। ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयन माउंटेन, नेक्स्ट आई विल कम विद द नेक्स्ट फिजिकल फीचर, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, थैंक यू।